अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 110 पर अचानक ऐसा हादसा हो गया कि इसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यहां एक रिक्शा चालक की जिंदगी और मौत के बीच मात्र नैनो सेकंड का फासला रह गया था। उसने खुद को तो बचा लिया, लेकिन रिक्शा ट्रेन के बीच आ गया। सीसीटीवी में कैद इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद भी एक रिक्शा चालक रिक्शा लेकर पटरी पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कदम चलते ही पटरी पर तेजी से एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक की जान बची। हालांकि ट्रेन रिक्शा को उड़ाते हुए अपने साथ ले गई। दरअसल अलीगढ़ रेलवे जंक्शन का रेलवे क्रॉसिंग फाटक संख्या 110 को सीमा फाटक भी कहा जाता है। यहां फाटक बंद होने के बावजूद भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर आते जाते दिख जाते हैं। फाटक पर मौजूद रेलवे का कर्मचारी भी कुछ नहीं कर पाता। सीसीटीवी फुटेज और आरपीएफ इंस्पेक्टर राजीव वर्मा के मुताबिक ये घटना शुक्रवार सुबह 8:45 की है। कल सुबह 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी से एक रिक्शा टकरा गया है और रिक्शा वाला जो है वहाँ से भाग गया है। उस सूचना पर हम लोगों ने अपने सीसीटीवी फुटेज को चेक कराया तो रिक्शा पुलर की जानकारी हुई और रिक्शा पुलर को पकड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया। वीडियो भी सामने है, कौन सी ट्रेन थी? 2563। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गुवाहाटी से नई दिल्ली जा रही थी। वीडियो भी संज्ञान में आया? वीडियो भी संज्ञान में आया बिल्कुल, उसी के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई।